আগেও যেটা বলেছি যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই আইএসএল এ ফুটবল খেলতে এসেছে, আমাদের কোচ হচ্ছে আমাদের মানে আমার মনে হয় এই ভারতবর্ষের ফুটবলের অন্যতম সেরা কোচ। আর ইয়ে ধোনি কি হুই জি গজব গ্রিপ एस आर एम बी टी एम डी बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट और स्वाभाविक एक जीत प्रथम आई एस एल ए मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लाब जेता तुम्हें तो बराबर आसो से ही सेकेंड डिविशन थे तुम्हार फिलिंग बोलो एक मैं ऐतिहासिक दिन तब आगे दोटो मैच ही जितते एकटूरजे हर হেরে গেছি, একটা ড্র হয়েছে। আর সব সময় মেনে এসেছি যে ভগবান বলুন আল্লাহ বলুন বা জিসাস বলুন যে আস্তে আস্তে দেয়। ফার্স্ট ম্যাচ আমরা হেরেছি, সেকেন্ড ম্যাচ ড্র করেছি, থার্ড ম্যাচ জিতেছি। আর আগেও যেটা বলেছি যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই আইএসএল এ ফুটবল খেলতে এসেছে। মেনি কনগ্রাচুলেশনস, ये जीत आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये सबको पता है, बट फिर भी आप एक बार अगर बोलें। देख जीत तो जीत होती है मगर ये बहुत ही स्पेशल जीत है, एक हिस्टोरिक डे है हमारे लिए कि फाइनली हम टॉप ग्रेड इंडिया फुटबॉल पहुंच गए और अपने तीसरे मैच में हमने एक अवे गेम एक जीत हासिल की है। तो जैसे पिछला मैच हमें हमेशा याद किया जाएगा कि पहला गोल हुआ था हमारे क्लब के तरफ से, वैसे ये हिस्टोरिक डे है जब याद किया जाएगा कि जब हम पहला मैच जीते थे। तो ये फीलिंग्स अभी अभी गूज़बम्स अभी तक आ रहे हैं, मैच खत्म हुए एक घंटा हो चुका है मगर गूज़बम्स जा नहीं रहे हैं। और बहुत 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 खुशी हो रही है कि हम जिस प्रोसेस और ट्रस्ट प्रोसेस को लेकर चल रहे थे और जो ट्रस्ट था इस टीम के ऊपर वो हमें धीरे धीरे रिजल्ट दे रहा है। এবং আমরা এই ম্যাচ জিতলাম, এটা আমাদের সমর্থক আমাদের ক্লাবের সকল কর্মকর্তা আমাদের সাচি গ্রুপ বাংকার হিল সবার সাফল্য, এটা আমাদের সবার সাফল্য। মানে আমরা সবাই যে যে কষ্টটা আমরা করেছি লাস্ট চার পাঁচ বছর ছ বছর আমাদের ক্লাবের সকলে সবাই মিলে আর কি, মানে এটা এই সাফল্য সমর্থকদেরকেও আমি উৎসর্গ করব যে খারাপ সময় সমর্থকরা মাঠে এসেছে আমাদের পাশে থেকে যে তাদের এই দিনটা এনজয় করুক, তারা আনন্দ করুক, এই দিনটা দেখবে এবং আগামী দিনে এই মোহামেডান স্পোর্টিং আরও ভালো খেলা উপহার দেবে ভারতবর্ষে। এক প্রথম দিকে অনেক অ্যাট্যাক্স হচ্ছিলো যখন আমাদের টিম একটু প্রোটেকটিভ ফুটবল খেলছিল, তুমি এটা কি পার্ট অফ দ্য প্ল্যান ছিল? না, এটা আমাদের প্ল্যানই ছিল যে ওরা প্রথমে খুব অ্যাগ্রেসিভ খেলবে এবং ওরা আমাদের মানে এক্সট্রা অ্যাগ্রেসিভ খেলার চেষ্টা করবে ওদের হোম ম্যাচ, এবং প্রথম 20-30 মিনিট আমরা আটকে দিলে তারপর কিন্তু আমরা ম্যাচে ফিরব, এটা আমাদের প্ল্যানই ছিল। এবং 60 মিনিটের পরে তো আমরা পুরো ম্যাচটা আমাদের কাছে ছিল, যদি সিজারের গোলটা হয়ে যেত বা অ্যালেক্সিসের আবার পোস্টে লাগলো, এছাড়াও আমরা অনেকগুলো মিস হয়েছে যেগুলো গোল হলে। ওরা ভালো খেলেছে, ওরা একটা অ্যাগ্রেসিভ ফুটবল, স্কটল্যান্ডের কোচ যেটা অ্যাগ্রেসিভ থাকবে একটা গাজোয়ারি ফুটবল থাকবে সেটা খেলার চেষ্টা করেছে। তবে আমাদের কোচ হচ্ছে আমাদের মানে আমার মনে হয় এই ভারতবর্ষের ফুটবলের অন্যতম সেরা কোচ, সে দেখিয়ে দিয়েছে তিনটে ম্যাচে আমরা ফুটবল খেলা শুরু করেছি এবং আগামী দিনে আরও ভালো ফুটবল আমরা খেলব। जो फर्स्ट हाफ था उसमें हम प्रोटेक्टिव फुटबॉल खेले, वो लोग एग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे थे और फिर सेकेंड हाफ हमने डोमिनेट कर लिया। ये जो कोच का एक स्ट्रेटजी होता है या प्लेयर्स का प्लान भी होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक टीम को आगे ले जाने के लिए? देखो, जितना हम आईएसएल में खेलते नहीं हैं उतना हम टीमों को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और एक अच्छा टीम वही होता है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को प्लान ए से प्लान बी में शिफ्ट करे। तो आज हमें अपने प्लान ए से प्लान बी में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, अकॉर्डिंगली टीम ने बॉयज ने उसको अच्छे से फीट एब्जॉर्व किया पहले इनिशियली एंड देन उन्होंने अच्छा फाइट बैक दिया। स्कोर लाइन्स फुटबॉल में आप जानते हैं स्कोर लाइन सब कुछ नहीं होता, हम कुछ मैचेस बहुत अच्छा खेले हैं मगर पॉइंट्स नहीं मिले हैं। आज स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ था फिर भी हम एक अच्छा डिसेंट रिजल्ट दे पाए और 3 पॉइंट्स लेके वापस आए हैं। तो बट ये तीन मैचों की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही है। पहला हम हारे, बहुत ही क्लोजली हारे थे, दूसरा मैच जीतते जीतते ड्रॉ हुआ था और हम जीते थे। सो एक खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि देख के कि बॉयज इस टॉप टीयर ऑफ इंडियन फुटबॉल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और दे फील दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंट। हर एक मैच में ये कॉन्फिडेंस
बढ़ता जाएगा और मुझे पूरा यकीन है आने वाला टाइम बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हमारे क्लब के लिए। हाफ टाइम में जो तुम्हारा भेतरे गले तक कि मैंने टिपटक देवा कोचे की भेतरे से टिपटकटा तो बोलो ना और कोचे स्ट्रैटेजिटाओ बोलो ना तब हमें प्लेयारा जे कथा आज के तीन बजर आगे बोले जे आई लीगर भारतीय खेलोड़ और आई एस एल भारतीय खेलोड़ मध्य को तफात नहीं हाँ एक सुनील छेत्री आलदा होते ही पड़े कंतु प्लेयारे स्टैंडार्ड কিন্তু এক আই লিগ আরও টাফ আই লিগ আইজল আইজলে খেলতে হয় আই লিগ মেঘালয়ে খেলতে হয় আই লিগ কাশ্মীরে খেলতে হয় আই লিগ যারা যে প্লেয়াররা খেলে না তারা যে হার্ডওয়ার্কের মাধ্যমে যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসে আই লিগ সে আইএসএলে সাফল্য পাবে। দেখো পাঞ্জাব ভালো খেলছে যে আই লিগ থেকে আইএসএলে উঠেছে আর মোহন স্পোর্টিং তো তিনটে ম্যাচ খেললো মাত্র তাতেই সারা ভারতের মানুষ বলছে আমরা ফুটবলটা ভালো খেলছি হয়তো রেজাল্ট হয়নি একটা ড্র একটা হার একটা জিত। আপকে প্ল্যান সে ইস ক্লাব নে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব নে সেকেন্ড ডিভিশন জিতা ফির আকে আইএসএল আই লিগ জিতা আব আকে আইএসএল মে ইয়ে ম্যাচ জিতা ইয়ে জিত কো আপ কহাঁ রাখনা চাওগে? আই ফিল জো হাম আই লিগ কা জো ফাইনাল ম্যাচ জিতে থে ওয়ো ফিলিং जब हम चैंपियन होते जिस मैच में जब हम शिलोंग जाके उस फीलिंग को तो मैच नहीं कर सकते उस मैच ने हमें आपको महसूस ला दिया थे मगर ये जीत आफ्टर आज के जितने भी मैचेस लास्ट सात साढ़े तीन साल में जो हमने खेले हैं ये वन ऑफ द स्पेशल सबसे स्पेशल आफ्टर दैट मैच दैट चैंपियनशिप विनिंग मैच ये सबसे स्पेशल डे है मेरे लिए। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टार्ट है हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है। इस क्लब का एक बहुत लंबा लीगेसी और हिस्ट्री रही है और वो एक बहुत जल्दी वापस नहीं आ सकती। ऐसे ही दर बदर हम कोशिश करते रहेंगे और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मोहन स्पोर्टिंग अपनी वही पुरानी ग्लोरी को दोबारा रिगेन कर सके। फिफ्थ को हमारा होम मैच है मोहन बागान के अगेंस्ट और मोहन बागान के अगेंस्ट अभी भी हमारा जीत बाकी है होम में फर्स्ट होम मैच के लिए तो आपका क्या कहना होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली वो डर्बी है और पहला डर्बी खेलने जा रहे हैं अपने टॉप टीयर ऑफ इंडियन फुटबॉल में आफ्टर लॉन्ग आफ्टर वेरी लॉन्ग सो वो एक बहुत ही स्पेशल डे है और मैं इतना जानता हूँ कि हम उसका हमारे बॉयज बहुत 100% देंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। मेरे लिए वो अच्छा फुटबॉल खेले वो सबसे इम्पोर्टेंट है मगर मैं चाहता हूँ कि उस दिन बड़े से बड़ी तादाद में उस डर्बी को देखने के लिए मोहन स्पोर्टिंग फैन स्टेडियम आए और इस टीम को सपोर्ट करें। यह टीम 100% दे रही है बस इनको अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो वो डर्बी डे बहुत स्पेशल है तो आप जल्दी से बहुत ही जल्दी टिकट ओपन हो जाएगा आप जल्दी से टिकट बाय करें और उस डर्बी को विटनेस करें क्योंकि एक हिस्टोरिक डे बनने वाला है। थैंक यू। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।